शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि आपने इलेक्शंस में इतना ज्यादा काम किया है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मोस्टली इलेक्शंस uh, धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं बिल्कुल होते हैं यही है ना बिल्कुल धर्म भी? के ऊपर भी होते हैं कास्ट के ऊपर भी होते हैं मेजोरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं मेजोरिटी मेजोरिटी वोट्स भी धर्म और कास्ट के ऊपर ही मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया मतलब केरला से लेकर कश्मीर तक साउथ ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है ये चीज uh, क्योंकि वो थोड़ा द्रविडियन आइडियोलॉजी uh, प्लस उनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल uh, उनका हिंदुइजम भी बहुत अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया तो उनका अप्रोच ऑफ हिंदुइज़म बहुत डेमोक्रेटिक है uh, तो जो चीज़ें हम जैसे हम नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेकर इतना प्योर एम का टैग लगाते हैं दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेजोरि मेजर हिंदू पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है नॉर्थ ऑफ इंडिया साउथ ऑफ़ इंडिया में जाने के लिए क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया है कि कल्चरली uh, ऐसे होना चाहिए ये पहनना चाहिए ये खाना चाहिए ये खाने वाले अच्छे ये खाने वाले बुरे uh, ये ऐसा सोचने वाले अच्छे ऐसा सोचने वाले बुरे ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उनका हिंदुज़म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया सो हर साउथ इंडियन को अपनी लैंग्वेज और अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक uh, है सेकंड इज़ वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म विच इज़ मतलब हम जैसे कुछ हिंदू फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली होती है तो हम दिवाली पर पूजा वगैरह करते हैं हमारे लिए इन नॉर्थ इंडिया एंड आई कम फ्राम गुजरात तो हमारे लिए इट्स ऑल प्योरिटी 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 एंड दट प्योरिटी कम्स फ्राम नॉट ईटिंग नॉनवेज की आज दिवाली पर आपके घर नॉनवेज नहीं बन रहा है ये नहीं बन रहा है जहाँ की उल्टा होता है साउथ ऑफ़ इंडिया में सुबह uh, मटन करी और पराठा खाया जाता है एज अ ट्रेडिशन एज अ रिचुल ऑन दिवाली तो बहुत सारे उनके रिचुअल्स काफ़ी अलग हैं प्लस जब आप चीज़ें बैन करते हो जैसे हिजाब बैन किया तो साउथ ऑफ इंडिया में आपने हिजाब बैन किया मुस्लिम्स के ऊपर बट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल टू गेट पर्सनली कि आज उन्होंने हिजाब बैन किया कल कुछ और बैन करेंगे लिटरेसी क्योंकि ज़्यादा है तो उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को लेकर तो वो काफ़ी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं uh, तो जब आप एकदम हिंदू आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुश करते हो तो दे आर मोर लॉजिकल देन प्रॉबेबली यूपी एंड बिहार जहाँ पे एजुकेशन भी कम है लोग स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करें आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में देखोगे तो पॉवर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है लोगों के स्ट्रगल कम है तो जब हम बात करते हैं कि मुंबई में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं या वो इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं है इज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि मैं रोज सुबह पाँच बजे की निकली हुई हूं अपने घर से मैं लोकल में ट्रैवल कर रही हूँ फिर मैं बस चेंज कर रही हूँ फिर मैं ऑटो चेंज कर रही हूँ पूरे दिन का काम करके मैं रात को बारह बजे घर पहुंच रही हूँ उसके बाद आप मुझे बोलोगे पॉलिटिकली अवेयर हो मेरे पास टाइम ही नहीं है पॉलिटिकल अवेयर होने का इसलिए रिक्शा में ट्रेन में बस में पॉडकास्ट सुनने चाहिए बिल्कुल सुनने चाहिए बिल्कुल सारे टी के पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपको सुनने चाहिए तो लोगों के पास क्योंकि इतना कि मैं किसी म्यूजिक uh, कुछ सुन लूँ या मैं कुछ अच्छा ड्रामा देख लूँ वर्सेज मैं पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन में इंगेज करूँ जो कि साउथ इंडिया में पीपल आर मोर अवेयर लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेरे एक वोट करने से क्या मेरी लाइफ पर इंपैक्ट होने वाला है सो साउथ इंडिया जैसे अब नॉर्थ इंडिया है बहुत ही रिलीजियस आइडेंटिटी ड्रिवन है कि आप रिलीजन के ऊपर वोट ले सकते हो साउथ ऑफ इंडिया पे आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर वोट लेना पड़ता है सो so आपने कितना लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पर काम किया है नॉर्थ ऑफ इंडिया वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है अपने माइंड में साउथ ऑफ इंडिया रिच है इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट जोन्स ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट कैपिटलिस्ट दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस है और इसलिए किसी भी नेशनल पार्टी को साउथ ऑफ इंडिया में अपना आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका नेशनल आइडेंटिटी बहुत अलग है और साउथ इंडिया में इसलिए जो लोकल पार्टीज़ हैं हमेशा वही जीतती हैं क्योंकि लोकल पार्टी लोकलाइज़ कर सकती है अपने कम्युनिकेशन को एक नेशनल पार्टी कैसे अपने कम्युनिकेशन को लोकलाइज़ करें सो so वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में क्या सीन है मैंने नॉर्थ ईस्ट ऑनेस्टली मैंने कभी कोई इलेक्शन नहीं किया है और Uh, मतलब बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है फॉर दैट मैटर बंगाल हो गया अगेन बंगाल हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी वेरी कल्चरल वेरी लोकल तो वहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादातर हमेशा जीतती है सेम विद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादा जीतती है या फिर अलायंसेज ज़्यादा जीतते हैं जो नेशनल पार्टी का अलायंस हुआ है लोकल पार्टी के साथ में वो अलायंसेज ज़्यादा जीतते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि बिकॉज जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है वो इतना बल्क ऑफ इलेक्टोरेट है तो एक कम्युनिकेशन उनके लिए आपने डिजाइन किया है डिसाइड किया है उसी कम्युनिकेशन को मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकती वहाँ के लिए मुझे बहुत लोकलाइज्ड अलग तरह से कम्युनिकेशन बनाना होता है और इलेक्शन ब्रांड के ऊपर होता है राइट तो एक ब्रांड से एक ब्रांड मोदी बन गया है नाउ दिस इज़ अ सर्टन ब्रांड ऑफ मोदी नाउ दिस ब्रांड ऑफ मोदी के नॉट ऑल्सो बिकम द ब्रांड ऑफ मोदी अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर साउथ ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर कश्मीर एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ़ मोदी फॉर नॉर्थ ईस्ट तो ये ब्रांड ऑफ मोदी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में चल जाता है तो बाकी के पार्ट्स के लिए वो लोग अलायसेस करते हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं पॉलिटिक्स के बारे में यंगस्टर्स बात करने लगे हैं यंगस्टर्स शेयर करने लगे हैं चीज़ों को सो डेफिनेटली एंड बिकॉज यंगस्टर्स को आपको इस तरह से एंगेज करना एंड ऑल्सो बिकॉज यंगस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलिटिकली अवेयर आई आई मीन आई डिफर जब लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स की नहीं पड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यंगस्टर्स बहुत पॉलिटिकल है उनकी उनकी, ideology, उनके पॉलिटिकल उनके उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके रिलेशनशिप्स में दिखता है उनके फ्रेंडशिप्स में दिखता है उनकी कलीग्स uh, में दिखता है उनके प्यर्स में आप ऑफिस में जाके देखोगे वहाँ पॉलिटिकल कॉन्वर्जेसन है और इंडिया हमेशा से बहुत पॉलिटिकल रहा है और ये जनरेशन जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स फॉर सम रीज़न आई थिंक थैंक्स टू मोर पीपल लाइक यू हु आर यंग एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स बिकम अंग टू टॉक अब इट इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स वे बोरिंग चीज आई एम ए पॉलिटिकल आर वेरी पॉलिटिकल आई वर्क विद ऑन ऑल द एंड स्पेक्ट्रम बट आई थिंक यू नीड मोर फ्री स्पीच यू नीड मोर फ्री मीडिया मतलब आज के मतलब इट इज़ अ जोक राइट लाइक आई वॉज इन द मीडिया आई वॉज अ न्यूज़ एंकर लाइक इट वॉज द फर्स्ट जॉब आई एवर हैड और आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोलेगा एज अ जर्नलिस्ट मैं कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगी खुद को मतलब इट्स अ शेम टू बी कॉल्ड अ जर्नलिस्ट एट दिस पॉइंट द काइंड ऑफ थिंग्स दट मीडिया डस टूडे इट्स सो इजी टू मैनिपुलेट अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ